हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक और स्टेशन का अपडेट दिखाने के लिए। तो ये है आपको जीरो माइल मेट्रो स्टेशन। तो पिछला वीडियो में दिखाए थे भूतनाथ मेट्रो स्टेशन का, अब इसी लाइन में हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जीरो माइल मेट्रो स्टेशन का। जिस तरह से वर्क हो रहा है, तो भूतनाथ और जीरो माइल और आपको खेमनी चक तीनों एक ही तरह का ये स्टेशन बन रहा है। मतलब ये जमीन पे ना होके जमीन के ऊपर स्टेशन बनने वाला है। तो किस तरह से क्या बनने वाला है, चलिए इसको पूरा दिखाते हैं। साथ ही साथ इस रूट में किस तरह से मेट्रो पिलर तैयार हो चुके हैं, कहाँ पे कितना काम हो चुका है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। जो कि इसके आगे देख सकते हैं, इस तरह से गार्डर की लॉन्चिंग हो चुकी है और ये आगे जो है घूमकर ISBT में जाकर मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं, ये जो है आप जीरो माइल का आपको ओवरब्रिज जो कि उसके उस पार है आपको ISBT का तो बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने। इस तरह से मार्केटिंग कर दिया गया है और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से काफी भीड़ होता है, क्योंकि आपको नया वाला जो गांधी सेतु पुल बन रहा है ना, इसी रोड में बन रहा है जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि आपको इसमें अटैच हो जाएगा। आपको मेट्रो स्टेशन जो निर्माण हो रहा है जीरो माइल का, इस तरह से देख सकते हैं इसमें है ना केबल घुसेर के है ना आपको उसमें अटैच किया जाता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से है आपको सरिया वगैरह जो कि यूज होने वाला है वहाँ फ्लोर वलोर बनने के लिए इस पर। तो ये जो सेगमेंट है आपको जिसको मैंने दिखाया, तो ये है आपको निचला वाला का, ठीक है। और इसके ऊपर में जो लगेगा ना, तो इसके लिए वो सेगमेंट है। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। तो ये देखिए, इस सेगमेंट की मैं बात कर रहा था, तो ये आपको उसमें जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं ये वही सेगमेंट है। और ये जो नीचे वाला आपको है ना, ये वही सेगमेंट आपको वहाँ पर रखा हुआ है। तो चलिए आगे की ओर और दिखाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। एक साइड से ऐसा होता है, दूसरे साइड से अलग तरह का होता है। ये भाग जो है आपको अटैच हो जाता है, तो यही वाला भाग जो है ना इस साइड में आपको अटैच होता है, और इसका उस साइड वाला जो भाग है ना आपको इस साइड में रहेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं, ये जो भाग आपको है किनारे में रहता है, मतलब इस साइड में है ना, और उस साइड वाला जैसे तिरछा है, तो उस भाग वाला जो है ना आपको दिखाई चुके हैं कैसा रहता है। ये देखिए दूसरा है आपको लॉन्च हो रहा है, मतलब इसमें अटैच करने की तैयारी हो रही है। चलिए नजदीक से दिखाते हैं। तो जो अटैच हो रहा है कुछ वैसा दिखता है, और उस साइड का भाग अलग तरह का दिखता है, और ऊपर वाला जो सेगमेंट देखिए अटैच हो चुका है, नट बोल्ट से देखिए कस दिया गया है। इसमें भी देखिए नट बोल्ट लगा हुआ है, और फिर यहाँ भी नट बोल्ट लगा कस दिया जाएगा। और जब तक दोनों अटैच नहीं होगा, तो ये भी देखिए ऊपर में है ना, ये नट बोल्ट के जरिए कस के उस मशीन के जरिए है ना उठाया जा रहा है। और जब उठ के इसमें अटैच हो गया, तो फिर ये जो है मशीन को खोल दिया जाएगा, या नट बोल्ट भी खुल जाएगा। तो चलिए आगे क्यों कुछ दिखाते हैं। तो ऐसा वीडियो जो आपके लिए हम लोग लाते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं फील्ड में जा कर, आप लोग लाइक नहीं करते, कृपया जमकर लाइक किया कीजिए। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से सामान रखा हुआ है जो इसको मतलब करने के लिए काम आता है इसके वर्क में। और ये देख सकते हैं बहुत सारे जो है सेगमेंट है, और इस तरह से जोर जोर का ज्वाइंट कर करके यहाँ पे लगा दिए गए हैं, देख सकते हैं। बाकी यहाँ से तो है ना आपको आगे जो है आपको नॉर्मल पिलर, जहाँ से आपको ट्रेन रनिंग होगी और इस स्टेशन पे आके रुकेगी, तो इस तरह से है, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही हम इसका व्यू दिखा चुके हैं। तो अभी हम नीचे से मैं दिखा रहा था अंदर से जाके, अब देख सकते ऊपर में आ चुका हूँ। तो पहले जो स्टार्टिंग में होता है ऐसा ही कुछ होता है, और ऊपर में देख सकते हैं ये आपको केबल लगाने के लिए कुछ निकाले गए हैं, और इसमें भी है ना केबल के भरोसे है ना ऐसा सेगमेंट को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ना, तो उसी में केबल लगेंगे, और ये केबल आके बाहर में इस तरह से लॉक हो जाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है ना लॉक हो चुका है, लॉक हो चुका है जो इस सेगमेंट को इसमें अटैच करने के लिए। और ये जो बाकी छोड़ा गया है पता है क्यों, क्योंकि यहाँ से 1.5 फीट इतना लंबाई आने वाला है बाहर की ओर, जो कि आपको देख सकते हैं हर एक सेगमेंट में है इस तरह से है छोड़ा हुआ, ताकि है ना इस बाकी छेद के जरिए है ना उसे लॉक किया जाए। तो इस स्टेशन के निचला पियर कैप पे किस तरह से स्टेशन का फ्लोर बनने वाला है, हम एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। हर एक में जो है ना आपको कुछ केबल का जो है जो छेद है छोड़ा गया है, उसमें केबल के जरिए है ना उस सेगमेंट थोड़ा सा और आगे बाहर की ओर आएगा। तो अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया कि डबल पियर का वाला स्टेशन किस तरह से बनने वाला है। छोटे छोटे आपको गार्डर की लॉन्चिंग होगा इस पिलर से उस पिलर तक, और पूरा होके इस तरह से स्टेशन का रूप ले लेगा निचला फ्लोर बनकर। तो ये था दोस्तों आपको जीरो माइल मेट्रो स्टेशन का अपडेट,
और साथ ही साथ इसके आगे गार्डर की लॉन्चिंग हो चुकी है और इस रास्ता के ऊपर से आपको मेट्रो का जो है लाइन पार होने वाली है, पार होकर जाएगी SBT की तरफ, तो उसको भी हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। पिछले वीडियो जो मैं बता चुका हूं कि ये जो आपको देख सकते हैं पिलर है और ये इसका जो है पियर कैप है, तो ये सच कुछ है ना, इस सच नहीं हो के कुछ ऐसे हो गया है, मतलब ये जो है ना आपको इस साइड यहीं से है ना कर्व होकर घूम रहा है। तो मैंने कहा था ना कि पुल के बीच में खुदाई होना चाहिए ताकि है ना आपको पिलर का पाइलिंग का काम हो सके, तो वैसा ही हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मशीनें लग चुकी हैं पाइलिंग के लिए ताकि यहाँ पे पिलर एक बनाया जा सके, और वहाँ तो वहाँ यहाँ भी है ना पिलर बना, देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही हैं और ये साइड होकर जा रही हैं, तो उस साइड से रास्ता बना दिया गया था पहले ही। और ये जो है आपको पिलर देख सकते हैं उधर की ओर ना जाके ये इसे घूम गया, और ये घूमने के बाद एक पिलर फिर यहाँ पर बनेगा, इसी के लिए पाइलिंग हो रहा है और एक पिलर वहाँ बनेगा। तो मैंने बताया था कि ब्रिज पे ही होना चाहिए काम, लेकिन कैसे होगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से वहाँ पार कैसे होगा, क्योंकि बीच में एक पिलर बनना ही बनना है, तो जहाँ कर्व होता है ना तो वहाँ पे है ना कुछ इंजीनियरिंग जो भी होता है मेथड बहुत कम काम आते हैं, क्योंकि वहाँ पे रास्ता कर्व होता है, मतलब सीधा होता है तो कुछ होता होगा, लेकिन कर्व हो रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको पिलर बनेगा और ऐसे घूम के है ना आपको इस पिलर से होते हुए मतलब जो पाइलिंग हो रहा है उस पार आपको ISBT की तरफ पटना मेट्रो ट्रेन निकल। देखिए जब पाइलिंग होता है ना तो मिट्टी भंसे नहीं, इसके ऊपर से ये डाला जाता है, और इसके डालने के बाद है ना जितने भी मसाला है छड़ है, पहले छड़ जो है आपको लंबा जैसा डाला जाता है और उसके बाद मसाला भरा जाता है। और ये अलग अलग तरह का ब्लेड है, ये देखिए मिट्टी काटने वाला है, और फिर से इस तरह से अलग अलग जो भी होता है। और इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर जनरेटर रखा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। और ISBT की तरफ से आपको एक पिलर दिख रहा है और दूसरा पिलर आपको यहाँ बनना है। इसी तरह से हम लोग आइडियाज लगाते रहते हैं कि किस तरह से क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो है ना फील्ड में घूमते रहते हैं ना तो बहुत सारे चीज देखते रहते हैं, तो हम लोग को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पिलर एक वो पिलर हो गया है कि ये पिलर हो गया, उस साइड से दिखाते हुए आ गए, और आपको एक यहाँ बनना है, यहीं पर बनना है मुझे लग रहा है इस होटल वोटल के सामने। ये था दोस्तों 0 माइल मेट्रो स्टेशन का अपडेट। आपको ये अपडेट कैसा लगा कि क्या कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स भी किसी ऐसे ब्लॉग के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।